नमस्कार, मैं विकास शर्मा, फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे किसान भाइयों, आज हम चर्चा करने वाले हैं खेती बाड़ी की। तो इस खेती बाड़ी के अंदर विषय है कि गिया की फसल कैसे करें जिसमें आपको बम्पर पैदावार मिले और गिया की तुड़ाई करने के आसानी रहे। जब गिया का फल आप तोड़ोगे तब तोड़ने के अंदर भी आसानी रहे। तो करना क्या है कि ये देख लीजिए, हमने ये गिया के पौधे लगा दिए हैं और ये करीब हमारे पौधे हो गए हैं, 25 दिन के पौधे हो गए हैं। और इन पौधों को हम तारों के ऊपर चढ़ाएंगे। तो ये बलिया और बांस हमने लगा रखी है और बलिया और बांस लगा कर हमने ये जो तार देख रहे हो, ये तार से हमने जाल बना दिया है ऊपर। और इस जाल के ऊपर क्रॉसिंग के अंदर ये प्लास्टिक की रस्सियाँ है, इस प्रकार की जो ये प्लास्टिक की रस्सी है, हमने ये प्लास्टिक की रस्सियाँ लगा दी है ताकि गिया के जो बेल है इस पर आराम से टिक जाए और जो गिया का जो फल है वो आराम से नीचे लटक जाए और हम तोड़ ले। तो हम देख लीजिए, इस प्रकार से हमने खेती करी है। ये बिल्कुल ये जो बांस है, इन बांसों की हमने चौड़ाई रखी है, करीब 4.5-5 फुट की चौड़ाई है इनकी और ये 8 फुट इसकी लंबाई है। तो 4.5x8 के अंदर हमने इस बांसों को लगाया है, इकसार लगाया है, बिल्कुल समान दूरी पे लगाया है। और बांसों की जो ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है इन बांसों की 7 से 8 फुट ऊंचाई है। एक आदमी आराम से, 6 फुट का आदमी आराम से नीचे घूम ले, इतनी हमने इसकी ऊंचाई रखी है। और ये की जो फसल है जो लगाई है हमने, वो बेड बना के ड्रिप सिस्टम से लगाई है, मल्चिंग के अंदर ये गिया लगाई है जिससे हम खरपतवार जो का नुकसान होता है वो खरपतवार ना उगे और गुड़ाई का हमारा खर्चा बच जाए। तो ये देख लीजिए, ये तकनीकी खेती है मेरी। ये जो खेती करने का तरीका है बहुत ही अच्छा तरीका है मेरे किसान भाइयों। आप कभी इस तरह की खेती करके देखना, आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। इससे फ़ायदा एक तो गिया का फल तोड़ने को मिलेगा और एक बेल है, बेल पूरी ऊपर फैल जाएगी। तीसरा फायदा इसका यह है कि जब ज़मीन के ऊपर हम गिया लगाते हैं तो ज़मीन के ऊपर गिया लगाने के अंदर हम गिया तोड़ते हैं तो काफ़ी पेड़ों का नुकसान हो जाता है, पाँव से नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, दब जाती है पाँवों के नीचे। तो दबने के कारण बहुत सी बेलें टूट जाती है और फ्लोर इस पर बहुत अच्छे आएंगे। और जो भी इस पर गिया के ऊपर भी स्प्रे करे तो स्प्रे के अंदर भी आसानी रहती है। तो ये तकनीकी मेरी फसल है और आप इसी प्रकार से ये बांस लगाकर और जाल बना लीजिए। पहले लोहे के जो जाल बनाए आप, जो लोहे के तार आते हैं इस तरह का, तो लोहे का तार मजबूत ऐसे इसको बांधे कि लुढ़े नहीं, नीचे झुके नहीं, तार ऐसे झुके नहीं। और फिर इसके ऊपर जो प्लास्टिक की जो रस्सी आती है, ये रस्सियाँ आप इसके ऊपर बहुत पास पास के अंदर रस्सियाँ बांध दे। इन रस्सियों के ऊपर जो आप देख रहे हो ये रस्सियाँ प्लास्टिक की, इन रस्सियों के ऊपर ये गिया की बेल फैल जाएगी और नीचे जब लटकेगा तो इस गिया का फल लटकेगा। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों, अगला वीडियो फिर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, भारत के अंदर सभी किसानों के साथ व्हाट्सअप करें और शेयर करें, और जो रेड कलर के अंदर सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें और बगल के अंदर जो बेल घंटी है इसको आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि की जानकारियां और वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे और मेरे नए नए कृषि अनुसंधान आप तक आसानी से पहुंचे। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।